ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो येन प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों की मानव जाति को ब्रह्म विद्या अर्थात आत्म विद्या के रूप में एक अनुपम देन है। हर मानव इस विद्या से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को आनंद और शांति से जीवन का आनंद उठा सकता है। इस वीडियो में ब्रह्म विद्या का तीसरा वीडियो में हम दूसरा अध्याय प्रमाण विमर्श से शुरू करते हैं। मनुष्य की प्रधान तथा एकमात्र यही इच्छा होती है कि उसे सर्वोत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति हो और वह सुख निरंतर बना रहे। ऐसी इच्छा की पूर्ति की आशा नित्य अद्वितीय आनंद रूप तत्व की प्राप्ति द्वारा ही हो सकती है। किसी भी विचारवान को इस निर्णीत तथ्य में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। एक, प्रमाण की आवश्यकता। परंतु किसी आकांक्षा की पूर्ति की आशा मात्र के आधार पर किसी पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती। लक्षण प्रमाण भ्याम ही वस्तु सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण इत्यादि न्याय के अनुसार किसी प्रतिज्ञात वस्तु की सिद्धि के लिए पहले तो उसका लक्षण करना होगा, फिर परमाणु द्वारा उसकी पुष्टि करनी होगी। यदि किसी वस्तु की केवल प्रतिज्ञा से ही सिद्धि हो सकती हो, तब ऐसी कौन सी कपोल कल्पना है जिसे यथार्थ सिद्ध न किया जा सके। इसलिए मानवीय प्राप्त परमानंद प्राप्ति की आकांक्षा पूर्ति की संभावना और उसकी सिद्धि के लिए परमाणु की आवश्यकता है, जैसे सुवर्ण की परीक्षा के लिए कसौटी की आवश्यकता होती है। दो, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के विषय में सब दर्शनकारों का एक सर्वसम्मत सिद्धांत नहीं है। विशेष उपयोगिता के विचार से हम यहाँ पर केवल प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द इन तीन परमाणु का ही उल्लेख करेंगे। तीसरा, शब्द श्रुति प्रमाण विवेचन। उपर्युक्त भूमा आनंद स्वरूप तत्व के विषय में श्रुतियों के अनेक प्रमाण मिलते हैं, उनमें से कतिपय हम उद्धृत करते हैं। एक, यो वै भूमा तन सुखम नाल्पे सुखम अस्ति भूमयि सुखम भूमा तवेच विजिज्ञासा तव्य इति। ये छांदोग्य उपनिषद से है। जो भूमा महान है वह निरतिशय तत्व ही सुख स्वरूप है। उसके अतिरिक्त जो सांसारिक पदार्थ हैं वे अल्प हैं, इसलिए सुख स्वरूप नहीं हो सकते। वे सब पदार्थ परिच्छिन्न हैं, इसलिए उनके सुख भी अल्प सातिशय हैं। न्यूनता अल्पता तथा सातिश्यता ही कालांतर में तृष्णा का हेतु बनती है। तृष्णा ही दुख का बीज है। दुख के बीज रूप जबरादि से संसार में कभी सुख होता नहीं दिखता। यही कारण है कि तृष्णा के बीज भूत देश काल तथा वस्तु से परिच्छिन्न अल्प पदार्थों से वास्तविक सुख नहीं हो सकता। परंतु देश काल तथा वस्तु परिच्छेद से रहित उस अनंत महान तथा परम तत्व भूमा की प्राप्ति हो जाने पर
फिर उसमें तृष्णा आदि दुख का बीज ही संभव नहीं रहता, इसलिए भूमा ही सतत सुख का कारण निश्चित होता है। इस प्रकार के भूमा तत्व की ही जिज्ञासा करनी चाहिए। दूसरा, ओम ब्रह्म विदापनोति ब्रह्म तदेशम भुक्तयुक्ता सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सो सनुते सर्वान कामान सह। ब्रह्मणा विपच्यति तेति, ये तैतरीय उपनिषद का श्लोक है। ब्रह्म ज्ञानी सच्चिदानंद स्वरूप निर्तिशय परम ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। जो मुमुक्षु बुद्धि रूप कुहा जिसमें भोगा पवर्ग रूप पुरुषार्थ संरक्षित हैं के अव्याकृत माया रूपी आकाश में स्थित इस प्रकार के ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, वह परम भाग्यवान औपाधिक जनी मृत्यु संसर्ति चक्र से मुक्त हो जाता है। सर्वज्ञ ब्रह्म स्वरूप शुद्ध चैतन्य से एक ही भाव को प्राप्त हुआ वह सर्व कामनाओं का उपभोग करता है, अर्थात सर्व काम्य पदार्थ शब्द स्पर्श आदि को चैतन्य रूप से व्याप्त करता है। ऐसी स्थिति में वह नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप परम चैतन्य से अतिरिक्त कुछ भी अनुभव नहीं करता, वह चिन्ह मात्र ही हो जाता है। तीसरा, ये मुंडोक उपनिषद का श्लोक है। यथा नद्य सेन्दमानः समुद्र सत्व गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद्वि मुक्त है प्रात परम पुरुष मुपैति दिव्यम सो यो हवे तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति नाशय ब्रह्म वित्कुले भवति तर्ति शोकम तर्ति पापामानं गुहा ग्रंथ व्यो विमुक्त मृत्यो भवति। जैसे बहती हुई गंगादि नदियां समुद्र को प्राप्त होकर अपने नाम और आकार को त्याग कर उसमें लीन हो जाती हैं और इस प्रकार तद्रूप हो जाने के पश्चात यह विवेक नहीं हो सकता कि यह अमुक नदी का जल है अथवा अमुक का, क्योंकि नाम रूप ही भेद था पार्थक्य प्रतीति का कारण होता है। वैसे ही ब्रह्मविद ज्ञानी अविद्या मृत औपाधिक नाम रूप से छोटा हुआ शुद्ध चैतन्य में प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होकर उसके साथ एक रूप हो जाता है। जो मुमुक्षु इस पर ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है वह तद्रूप पर ब्रह्म हो जाता है। ऐसे ब्रह्मवेत्ता की शिष्य परंपरा में कोई भी ब्रह्म ज्ञानहीन मूड या तत्व ज्ञान रहित नहीं रहता। जन्म मरण रूपी संसार चक्र के अनंत दुख सागर से वह पार हो जाता है। धर्म अधर्म का मल समूह उसे स्पर्श नहीं कर सकता। हृदयस्थ अहंता ममता रूप माया की ग्रंथियों से छूटकर वह सदा के लिए अपने शुद्ध बुद्ध अजर अमर निर्विकार निर्विशेष स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। चौथा, इस विषय में विशेष जिज्ञासा रखने वाले को निम्नांकित श्रुति स्थल देखने चाहिए। ये ऋग्वेद अतरियोपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद के श्लोकों का कुछ उल्लेख किया गया है। चौथा, वर्तमान काल में श्रुति में अविश्वास आजकल की पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से हमारे हृदय तथा मस्तिष्क इतने प्रभावित हो गए हैं कि हम परम प्रमाण अनादि अनंत अपौरुषेय तथा अवाध्य स्वतः प्रमाण भूत श्रुति का भी यत किंचित सम्मान तथा आदर करने को तैयार नहीं है। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति तथा शिक्षा ने हम पर पर्याप्त तथा अकथनीय प्रभाव डाला है। हम पाश्चात्य शिक्षा दीक्षा में शिक्षित उन पाश्चात्यों का
अनुकरण करते हुए बुद्धि स्वतंत्र तथा उच्च शिक्षा के अभिमानी बनते हैं और कहते हैं कि हम प्राक्तन रस्म रिवाज वेशभूषा तथा व्यवहार की लकीर के फकीर नहीं बनना चाहते। ईश्वरीय ज्ञान वेद ताप मह ऋषियों के परम पुनीत हित भरे उपदेशों को भी बाबा वाक्यम प्रमाणम का नाम देकर झट उनका बोझा अपने सिर से उतार कर अपने आप को बुद्धिमान समझने लगते हैं और कहते हैं कि हम अंधे की तरह नेत्र मूंद कर किसी के पीछे चलने को तैयार नहीं, परंतु हम यह नहीं सोचते कि हमने अपनी इस भयप्रद मानसिक दासता पर तंत्रता का नाम ही स्वतंत्रता रख लिया है, क्योंकि श्रुति को मानने से इनकार करते समय हम प्राय यही युक्ति तथा तर्क उपस्थित करते हैं कि अर्वाचीन भौतिक विज्ञानवादी पंडित ऐसी गप्पों को नहीं मानते। ईश्वर, जीव, परलोक, स्वर्ग, नर्क, पुनर्जन्म इत्यादि इत्यादि बातें केवल मूर्खों को ठगने के लिए ही बुद्धिमान मनुष्यों ने घड़ी हैं। इनमें सत्यता का नामो निशान नहीं है। इस युक्ति क्रम में हमें भौतिक विज्ञानवादी पंडितों के प्रति अपनी मानसिक दासता का अनुभव नहीं होता। पांचवा, श्रुति में अविश्वास का कारण। प्राचीन काल में भी उपर्युक्त विचार के अनुयायी चार्वाक आदि थे, परंतु आजकल की हमारी ईश्वर तथा वेद विषयक नास्तिकता का कारण वे नहीं है। हमारी दीर्घकालीन राजनीतिक पराधीनता से उत्पन्न मानसिक दास्ता ही इसमें हेतु है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी इस राजनीतिक दास्ता का हेतु अवश्य हमारी ही किसी प्रकार की भूलें तथा त्रुटियां थी। पाश्चात्य देशों की राजनीतिक स्वतंत्रता तथा स्वर्ग सदृश भोग ऐश्वर्य प्राप्ति में किसी प्रकार का गुण मान लेने में हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं हो सकता कि पाश्चात्य देशों की प्रत्येक बात हमारे लिए माननीय तथा अनुकरणीय है। उनके आध्यात्मिक विचार, वेशभूषा, रस्म रिवाज, खान पान तथा पारस्परिक व्यवहार आदि हमारे लिए सर्वथा प्रमाण नहीं हो सकती, क्योंकि उन देशों की केवल ऐहिक भोगवाद में ही आस्था है। जिस मानसिक स्वतंत्रता का हमें इतना अभिमान है वह अति शोचनीय परतंत्रता है। हम ईश्वर तथा परलोक आदि में विश्वास तथा प्राक्तन वर्णाश्रम व्यवस्था मतों के अंधविश्वास वर्णाश्रम व्यवस्था आदि को ही देश के पतन का कारण समझने लगे हैं। इसमें संदेह नहीं कि भिन्न भिन्न मतों के अंधविश्वास कट्टरपन ने अखंड भारत को खंड खंड में विभक्त कर रखा है और जन्म मात्र से वर्ण मानने के दुराग्रह ने व्यक्तिक तथा सामूहिक योग्यता उन्नति और विकास का मार्ग बंद कर दिया है। यही कारण है कि हम ऐसा समझने लगे हैं कि रूस आदि पाश्चात्य देशों का अनुकरण करते हुए हमें ईश्वर मंदिर वेद स्मृति तथा प्राचीन दर्शनों की शिक्षा तथा महत्व को शीघ्रतम सर्वथा उन्मूलन कर देना चाहिए। यूरोप हमारे लिए ब्रह्मलोक बन गया है। वहाँ के आधुनिक संस्कृति के निर्माणकर्ता विज्ञान वेता ईश्वर तथा प्राचीन ऋषि मुनियों की अपेक्षा अधिक हमारे मस्तिष्कों पर शासन कर रहे हैं। छठा, शब्द प्रमाण की आवश्यकता तथा व्यापकता, ग्रह, परिवार, जातीयता आदि का आधार। इसमें संदेह नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रमाण साधारणतया बहुत प्रबल प्रमाण है, परंतु शब्द प्रमाण का कार्य क्षेत्र अति विस्तृत है, जिसके अभाव में जीवन अत्यंत सारहीन, सौंदर्य रहित तथा दुखमय हो जाता है। मनुष्य को अपने माता पिता का ज्ञान केवल शब्द प्रमाण से ही हो पाता है। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की गति नहीं है। इस ज्ञान पर संपूर्ण व्यक्तिक, सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवहार
अवलंबित है। यदि इस ज्ञान पर संपूर्ण व्यक्तिक सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवहार अवलंबित है, यदि इस ज्ञान को संदिग्ध मान लिया जाए तो घर घर नहीं रहेगा। प्राणियों को स्वाभाविक रूप से बांधने वाले तंतु का विच्छेद हो जाएगा और उस पर अवलंबित देश जाति आदि के अन्य व्यवहार अस्त व्यस्त हो जाएंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति के देश जाति का निर्णय करने के लिए भी उसके माता पिता का ज्ञान होना आवश्यक होता है। रूस के समान केवल देश तथा जाति की आधारशिला पर निर्मित संस्कृति उतनी बलवती तथा संगठित नहीं हो सकती। सातवां, मनुष्यत्व का आधार। यह हम निर्धारित कर चुके हैं कि शब्द के बिना समाज की कोई व्यवस्था नहीं बन सकती है। यदि शब्द का अभाव होता तो इस भूमंडल पर मनुष्य भी नहीं दिखता। शब्द प्रयोग के बिना किसी प्रकार के शिक्षा, उन्नति, विकास, भौतिक तथा आध्यात्मिक विज्ञान का सूत्रपात ही नहीं हुआ होता। मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं रहता, भले ही इसका अन्य प्राणियों से आकार भेद दिखाई देता रहता। मनुष्य का परस्पर व्यवहार वाणी पर ही निर्भर है। यदि दो मौनी एक स्थान पर एकत्रित हो जाएं तो उनके परस्पर व्यवहार की मात्रा कितनी न्यून हो जाती है, इसकी कल्पना की जा सकती है। संकेत मात्र से वे कहां तक अपने मनोभावों को एक दूसरे पर व्यक्त कर सकते हैं। आठवां, संपूर्ण मानवीय कार्य क्षेत्र में शब्द की आवश्यकता। समाचार पत्र आजकल के जीवन का अनिवार्य अंग है। व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक किसी भी कार्य क्षेत्र में मनुष्य अपने ध्येय को हानि पहुंचाए बिना समाचार पत्र अध्ययन से उदासीन नहीं रह सकता। मानव जाति इस समय परस्पर इस प्रकार संगठित हो चुकी है कि एक भाग की हलचल दूसरे भाग पर अवश्य प्रभाव डालती है। समाचार पत्र, रेडियो आदि जो कि इस युग की महती शक्ति हैं, शब्द प्रमाण के असाधारण प्रभुत्व का एक साधारण उदाहरण है। बड़े से बड़े बुद्धिमान शिक्षित मनुष्य को शारीरिक रोगों की चिकित्सा के समय चिकित्सक के निर्देशानुसार नेत्र मूंद कर व्यवहार करना पड़ता है। साधारण मनुष्य विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों या अंतिम विशेष परिणामों को सिद्ध नहीं कर सकता, परंतु उनको यथार्थ मानता हुआ यथा अवसर उनका प्रयोग करता है। वर्तमान काल के उच्च कोटि के पाश्चात्य विद्वानों द्वारा शब्द प्रमाण का उपयोग। नौवां, एक एक विषय के प्रसिद्ध प्रौढ़ विद्वान अन्य संबंधित विषयों के सिद्धांतों को सिद्ध नहीं कर सकते, परंतु उनका उपयोग अपने कार्य क्षेत्र में ही किया करते हैं। जैसे गणित के अनेक बीज, गुर फार्मूला, रसायन तथा भौतिकी शास्त्र, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में प्रयुक्त होते हैं। कारीगर, मैकेनिक अपने अपने कामों के आधारभूत सिद्धांतों के रहस्य को न समझते हुए भी उनका उपयोग करता है। डार्विन के विकासवाद, एवोल्यूशन थ्योरी को कितने व्यक्ति सिद्ध कर सकते हैं, परंतु बहुत से फिर भी उसको तथ्य मानते हुए अपने विचार की पुष्टि में प्रमाण रूप से उपस्थित करते हैं। कुछ वर्षों से फोर डायमेंशनल थ्योरी, चतुर परिणाम सिद्धांत का आविष्कार हुआ है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई के अतिरिक्त एक अन्य डायमेंशन परिमाण भी माना जाता है। उसको भली भांति समझने वाले गणितज्ञ संसार में बहुत थोड़े हैं। सुप्रसिद्ध विद्यालयों के गणित की उच्च शिक्षा के विशेष विख्यात तथा प्रवीण अध्यापकों की बुद्धि भी इस गंभीर रहस्य को ग्रहण नहीं कर सकी, परंतु इस सिद्धांत के जानकारों की बुद्धि पर विश्वास करते हुए मानते ही हैं। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि आप पुरुषों के वचन में श्रद्धा तथा विकास किए बिना हमारा एक अक्षण के लिए भी निर्वाह नहीं हो सकता, क्योंकि पुरुष का स्वरूप श्रद्धा में है। ये गीता का श्लोक देखिए, सत्वा अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धां यो यम पुरुषो यथ छद्व स एव सः।
सब प्राणियों की सब सब बुद्धि अनुरूपा ही श्रद्धा होती है। यह पुरुष श्रद्धा में है, जैसी जिसकी श्रद्धा है वही उसका स्वरूप है। हे अर्जुन, सब प्राणियों की श्रद्धा विशिष्ट संस्कार युक्त अंतःकरण के अनुरूप समान ही होती है। यह संसारी जीव श्रद्धा प्रधान ही होता है, जैसी जिसकी श्रद्धा है अर्थात जैसे पदार्थों कार्यों उद्देश्यों तथा पुरुषों उसकी श्रद्धा होती है, उस पुरुष को ऐसा ही समझो। अंग्रेजी में भी एक लोकोक्ति है, मैन इज नोन बाई दी कंपनी ही कीप्स, मनुष्य अपने संग से पहचाना जाता है। श्रद्धा शून्य कोई पुरुष नहीं हो सकता। भेद केवल इसमें होता है कि सब सबका प्रमाण भूत पुरुष एक नहीं होता। 10. भौतिक विज्ञानवादियों का आक्षेप। इस पर भौतिक विज्ञानवादियों का कहना है कि भौतिक विज्ञानवाद के सिद्धांतों का आधार प्रयोग सिद्ध प्रत्यक्ष है, यद्यपि इन प्रयोगों को प्रत्येक पुरुष स्वयं सिद्ध नहीं करता है, क्योंकि प्राय इसकी सिद्धि के बाह्य साधन हरेक को प्राप्त नहीं होते, एवं हरेक का मस्तिष्क भी इतनी योग्यता नहीं रखता कि वह स्वयं इन सिद्धांतों के गूढ़ रहस्य को ग्रहण कर सके। तथापि भौतिक विज्ञानवाद में प्रवीण मनुष्यों ने प्रत्यक्ष प्रयोगों द्वारा इन सिद्धांतों को निर्धारित किया है। यदि किसी की इच्छा तथा योग्यता हो तो वे उपयुक्त प्रयोगों द्वारा अपने सिद्धांतों को उसे भली भांति हस्तामल कवत प्रत्यक्ष दिखा सकते हैं। आक्षेप का समाधान। श्रुति उपनिषद आदि प्रमाण भी सर्वसाधारण जनता के लिए शब्द प्रमाणांतर्गत हैं, जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत रूपी शब्द प्रमाण की आधारशिला प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का प्रत्यक्ष है, वैसे ही श्रुति भी ईश्वरीय प्रत्यक्ष ज्ञान है। 11. वेद और श्रुति शब्द की व्युत्पत्ति तथा निरुक्ति। वेद शब्द विद ज्ञाने सतायाम विचारणे चेतना आख्यान निवासेषु तथा विद लरि लाभे इत्यादि 5 धातुओं से व्युत्पन्न होता है, अर्थात जिससे या जिस द्वारा सर्व मनुष्य संपूर्ण सत्य विद्या को जानते हैं, जो मानवीय जीवन का आधार है, जिसके द्वारा परम लाभ होता है, विवेक पुरुष सर जिसके द्वारा आत्मा आत्मा अनात्म विवेचन किया जाता है, जो भगवान के ज्ञान का सुप्रसिद्ध भंडार सत्य मार्ग का दर्शक तथा सर्वविद मानवीय व्यवहार का द्योतक आदि स्रोत है, उसे वेद कहते हैं। ऐसे ही श्रुति शब्द भी श्रु सर्वण धातु से तिप्तिन प्रत्यय द्वारा व्युत्पन्न होता है। श्रूयते सर्वनया स्व स्वानुरूपा शिक्षादय इति श्रुति, जिस अर्थात जिसका निर्माण करता कोई मनुष्य नहीं है, आदि सृष्टि से लेकर आज तक ब्रह्मादि महर्षि तथा अन्य सब व्यक्ति जिसके द्वारा सब स्वा अनुरूप शिक्षा तथा आदेश आदि सुनते हैं, जो सब मनुष्यों के हित को सुनाती है या जिस द्वारा सुना जाता है, उसे श्रुति कहते हैं। यह भगवान का ज्ञान ही हो सकता है। 12. श्रुति निरुक्ति तात्पर्य। ईश्वरीय प्रत्यक्ष ज्ञान का नाम वेद है। अभ्यंतर दिव्य स्रोत संपन्न ऋषि मुनियों ने अपने स्वच्छ शिथर और सूक्ष्म अंतःकरण रूपी आकाश में इस परम पुनीत ईश्वरीय वाणी रूप वेद का श्रवण किया है, इसलिए इसको श्रुति कहते हैं। उन्होंने इसका श्रवण उसी प्रकार किया है जिस प्रकार हम अपनी बाह्य सर्वणेन्द्रिय से साधारण शब्द तथा शिक्षा का श्रवण करते हैं। दिव्य स्रोत तथा आकाशवाणी पर साधारण जनता तथा कुतर्कियों का आक्षेप सर्वथा ऐसे निराधार है जिस प्रकार श्रवण शक्ति रहित बधिर का साधारण शब्द तथा स्रोत पर आक्षेप व्यर्थ होता है। द्वितीय स्रोत तथा आकाशवाणी पर अविश्वास तथा अश्रद्धा करना अपनी मूढ़ता अन्न भिज्जता तथा
अहम कृति का द्योतक है। मानवीय शक्ति की मर्यादा या अवधि का साधारण जन की सामर्थ्य अनुभूति तथा विभूति द्वारा निर्णय करना मानवीय ऐश्वर्य बल बुद्धि आदि की हीनता तथा शोचनीय अवस्था को ही प्रमाणित करना है, क्योंकि मानवीय उन्नत बल बुद्धि तथा अन्य विकास आदि का अनुमान तो जगत की सुप्रसिद्ध विशेष विशेष व्यक्तियों के निर्मल उच्च तथा आदर्श भूत जीवनों द्वारा ही किया जा सकता है। जिस प्रकार शारीरिक बल शौर्य तथा वीरता में भीम अर्जुन रुस्तम राममूर्ति आदि से उज्ज्वल सूक्ष्म तथा शीतल बुद्धि संपन्नता में सुकरात न्यूटन कांट तथा शंकर आदि से और दया धर्म त्याग योग अहिंसा राजनीति आदि में आदर्श भूत रामकृष्ण बुद्ध ईशा गांधी आदि से अनुमान करना उचित होगा। ये श्रेष्ठ व्युत्पन्न व्यक्ति ही हमारे लिए आदर्श हो सकते हैं। हम अपनी बुद्धि शक्ति तथा अनुभव के आधार पर उनके शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास तथा उन्नत स्थिति को यत किंचित भी नहीं समझ सकते। इनके उज्जवल दिव्य मुख देखने के लिए, उनके परम पावन चरण कमलों में बैठने के लिए और उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए हमारे पास श्रद्धा का ही केवल एक सहारा है। इस प्रकार श्रद्धा रूपी अलौकिक चक्षु से ही हम उनकी दिव्य झलक निहार सकते हैं तथा शक्ति बुद्धि धर्म न्याय मर्यादा और जिज्ञासा ही अपने जीवनों को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने की आशा कर सकते हैं। सर्वसाधारण जन की सामान्य स्थिति तो इतनी दुखमयी नरक रूपा है कि ऐसी दशा में जीवित रहने से मनुष्य ही अच्छी प्रतीत मृत्यु ही अच्छी प्रतीत होने लगती है। इन महान तथा आदर्श पुरुषों का आदर्श ही जीवन में ज्योति तथा प्रकाश स्तंभ का काम देता है तथा आशा का संचार कर सकता है। 13वां वेद निरुक्ति तात्पर्य। ऐसे ही दिव्य चक्षु संपन्न ऋषियों ने वेद मंत्रों को प्रत्यक्ष देखा। तत्वज्ञ तथा साक्षात्कार संपन्न ही ऋषि कहलाते हैं। जिस प्रकार हम इन भौतिक चरम चक्षुओं से पुस्तक रूपी वेद को देखते तथा पढ़ते हैं, उसी प्रकार उन परम पूज्य महर्षियों ने परलोक तथा पुनर्जन्म आदि को अपने दिव्य नेत्रों से प्रत्यक्ष देखा। इसलिए इस ज्ञान का नाम वेद प्रत्यक्ष ज्ञान पड़ा। उन महापुरुषों के ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान को समझने के लिए आचार्य कुल में रहकर अध्ययन तथा साधन करने के पश्चात योग्यता उत्पन्न होती है, परंतु ईश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान वेद नित्य सिद्ध है। वही उपर्युक्त शिक्षा की परंपरा का मूल है। प्रातः स्मरणीय योग के आचार्य महर्षि पातंजलि नियमा अनुभूत योग शास्त्र में कहते हैं, स पूर्वेशामपि गुरु काले नावच्छेदात। ईश्वर प्रति सरक के आरंभ में होने वाले ब्रह्मादि का भी गुरु है, ज्ञान चक्षु प्रद पिता है, क्योंकि ब्रह्मादि देश काल तथा वस्तु के परिच्छेद से परिच्छिन्न तथा मर्यादित हैं और षट भाव विकार युक्त होने के कारण सादी तथा शांत हैं, परंतु ईश्वर देश काल तथा वस्तु के परिच्छेद से जन्म लेने वाला परिच्छेद से अनवच्छिन्न अमर्यादित अनादि अनंत सर्वज्ञ तथा निरतिशय ज्ञान घन है। क्योंकि जन्म लेने वाला पुरुष शिक्षित उत्पन्न नहीं होता, उसे किसी न किसी शिक्षक की आवश्यकता होती है। सर्गारम में उत्पन्न होने वाले ब्रह्मादि का कोई न कोई शिक्षा प्रदान करने वाला गुरु होना चाहिए। अतः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सर्वव्यापक निर्विकार स्वतः सिद्ध दयानिधि ईश्वर को ही सबका गुरु मानना पड़ता है, क्योंकि उसके अतिरिक्त उसके समान या उससे अधिक अन्य कोई भी नहीं है। श्रुति हाथ उठाकर यह घोषणा कर रही है कि यो ब्राह्मणम् विद्याति पूर्व यो वै वेदांश्च परिणोति तस्मै। श्वेतास्वर उपनिषद जो सर्ववित
ईश्वर सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को उत्पन्न करके उसके लिए वेद प्रदान करता है, मुमुक्षु को उसी की शरण लेनी चाहिए। 14. वेद की अपौरुषेयता। सब सत्य विद्याओं का मूल वेद ईश्वर का नित्य सत्य सिद्ध स्वाभाव ज्ञान है। वे इसे मनुष्य मात्र के कल्याणार्थ ब्रह्मादि को प्रदान करते हैं। इनको किसी उत्पत्ति विनाशशील कवि या विद्वान ने अपने चक्षु आदि इंद्रियों या मनोबुद्धि द्वारा उपलब्ध ज्ञान के विचारार्थ निर्माण नहीं किया। परम दयालु करुणा सागर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान देश कालान्विच्छिन्न ईश्वर के इस स्वतः सिद्ध स्वाभाविक ज्ञान में वेद उपनिषद शास्त्र स्मृति इतिहास पुराण आदि के सतशः प्रमाण हैं। जैसे शास्त्र योनित्वात् ब्रह्मसूत्र वेद का कारण ईश्वर है, तद्वचना मानव्यस्य प्रमाणयम् विशेषिक धर्म का कर्तव्य रूप से ईश्वर द्वारा प्रतिपादित होने से वेद की प्रमाणयता है। ये न्याय यजुर्वेद इत्यादि से लिया गया है। गॉड्स माइंड इज द रेशनल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, प्लाटो। ये सेंटेंस प्लाटो ने कहा है। बुद्धि पूर्वक तथा यौक्तिक संसार का रचनाक्रम ही ईश्वरीय ज्ञान का द्योतक है। अतएव सर्वत्र व्यापी तथा निरंतर नियत कर्म आदि ईश्वरीय ज्ञान की ही संसार पर एकमात्र छाप है। बुद्धि पूर्व वाक्य कृति वेदे विशेषिका एवं वेद के वाक्यों की रचना भी अलौकिक ज्ञान पूर्वक ही है। वह ज्ञान भगवान से अतिरिक्त अन्य किसी का नहीं हो सकता। अतः उससे यह सिद्ध होता है कि वेद किसी पुरुष की कृति नहीं प्रस्तुत भगवान का ज्ञान है। तभी यह अपौरुषेय कहलाता है। 15. श्रुति और ईश्वर विषयक अनु अन्याने आश्रम दोषारोपण तथा उसका परिहार। इसमें यह आक्षेप हो सकता है कि सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म की सिद्धि के लिए श्रुति या वेद को उपस्थित करना और वेद के परम प्रमाणार्थ ईश्वरीय वचन या ज्ञान रूप होने का हेतु देना अन्य आश्रय दोष युक्त हेतु है। इसी को अंग्रेजी में आर्गुइंग इन ए सर्कल कहते हैं। परंतु विवेक पुरुष सरस्वल्प विवेचन से यह प्रतीत होता है कि यहाँ पर इस आक्षेप का अवसर ही नहीं और न अन्य ही कोई आक्षेप इसमें हो सकता है। जैसे रूप मात्र के बोधार्थ केवल चक्षु ही प्रमाण है और रूप प्रतीति ही चक्षु इंद्रिय के अस्तित्व का बोधक है। यदि जगत में रूप का अभाव होता तो चक्षु इंद्रिय के अस्तित्व का बोध भी असंभव हो जाता। यही दशा सब इंद्रियों तथा उनके शब्द स्पर्श आदि विषयों की है। ये परस्पर एक दूसरे के सद्भाव को प्रमाणित करते हैं। साधारणतया जगत में यही प्रचलित तथा प्रसिद्ध है कि चक्षु इंद्रिय द्वारा रूप का बोध होता है। ऐसा कोई नहीं कहता कि रूप द्वारा चक्षु का बोध होता है, परंतु फिर भी चक्षु आदि इंद्रियों के सद्भाव की प्रमाण तत्व रूप आदि उनके विषय से ही संभव है। यदि हम शब्द रहित निर्जन स्थल में हों तो सर्वेन्द्रिय युक्त होने पर भी सर्वण इंद्रिय की सर्वण शक्ति रूप संपत्ति का हमें कुछ बोध नहीं होगा, क्योंकि शब्द ही उसके बोध का एकमात्र हेतु है। इस प्रकार जगत में यही विख्यात है कि चुंबक लोहे को खींचता है, परंतु यह भी तथ्य है कि लोहा भी चुंबक को खींचता है। यह उनका आकर्षण पारस्परिक है। आकर्षण का अधिक बल या नियामकता गुरुत्व भारीपन में है। उन दोनों में जो भारी होगा वह दूसरे को अपनी ओर खींच लेगा। लोहा हो अथवा चुंबक, दोनों में आकर्षण शक्ति विद्यमान है। लोहे के अभाव में चुंबक का निर्णय असंभव है। ऐसी परिस्थिति में चुंबक के बोध में लोहा ही एकमात्र कारण तथा हेतु ठहरता है।
ऐसे ही ईश्वर तथा वेद के विषय में उपर्युक्त दोष भी निर्मूल है। अनंत संसार की विचित्र रचना तथा वेद का ज्ञान उस सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ईश्वर के अस्तित्व के बोधक हैं तथा ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार किए बिना वेद का अस्तित्व तथा प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता। ईश्वर ईश्वरीय ज्ञान वेद तथा ईश्वरीय शक्ति को पृथक पृथक नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार अग्नि तथा उसकी दाहक शक्ति को एक के अभाव ध्वंस से दोनों का अभाव हो जाता है, दाह शून्य अग्नि कोई सच्चा पदार्थ नहीं हो सकता, वह तो नाम मात्र खे पुष्प के समान ही होगा। इस प्रकार विरहित वेद ज्ञान तथा अनंत सामर्थ्य रहित ईश्वर भी नाम मात्र का ही ईश्वर होगा। अनंत ज्ञान वेद तथा सामर्थ्य शक्ति की अपनी आधार ईश्वर के बिना अग्नि के बिना दाह की तरह कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे हमारा ज्ञान हमें छोड़कर कहीं स्वतंत्र रूप से आकाश में नहीं लटक सकता, इसलिए ऊपर उद्धृत ब्रह्म सूत्र शास्त्र योनित्वात वेदांत के प्राय दो प्रकार के अर्थ किए जाते हैं। एक, बृहत बहुत वेद का कारण, ब्रह्म बृहत वेद का कारण होने से सर्वज्ञ है, तथा दूसरा, ईश्वर ब्रह्म के ज्ञान में परम प्रमाण योनि कारण वेद है। 16, श्रुति का परम प्रमाण परमात्म ज्ञान अन्य सब प्रमाणों का आधार है। हमारा गुरु हमारे ज्ञान का स्रोत है। जहाँ पर यह गुरु परंपरा समाप्त होती है, जो केवल गुरु ही है, किसी का शिष्य नहीं है, जिसका स्वरूप निरपेक्ष सत्तावान तथा सूर्य समान स्वतः प्रकाश तथा स्वतः सिद्ध है, सेल्फ एग्जिस्टेंट, सेल्फ ल्यूमिनस, सेल्फ एविडेंट है। जिस प्रकार सूर्य नभो मंडल तथा भूमंडल के प्रकाश तथा गर्मी का एकमात्र हेतु है, उसी प्रकार भगवत ज्ञान ज्योति रूप वेद वाणी मात्र प्राणी मात्र के ज्ञान का आधार तथा मूल स्रोत है। अतः वेद की परम प्रमाणता भी स्वतः सिद्ध है। तवमेव भांत अनुभाति सर्वं तस्य भाषा सर्व इदं विभाति कठोपनिषद वल्ली। उस स्वतः प्रकाश में परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाश से अन्य सब सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित होते हैं। उस भगवती ज्ञान ज्योति से सब सथावर जंगम जगत सत्ता वाला तथा प्रकाशित हो रहा है। भगवान की ज्ञान ज्योति का नाम ही वेद है। उस स्वतः सिद्ध ज्ञान के बिना जगत के सर्वाविद पदार्थ तथा प्रमाण चक्षु आदि अपनी सत्ता तथा प्रमाण तत्व को ही सिद्ध नहीं कर पाते। ईश्वरीय ज्ञान ही प्रमाणों का प्रमाण है। यह हमारा कितना अज्ञान तथा भ्रम है कि हम अल्पज्ञ मूढ़ तथा नाशवान प्राणियों की चंचल मालिन तथा स्थूल बुद्धि विषय लोलोभ मन तथा बहिर्मुख चक्षु आदि इंद्रियों को स्वतः सिद्ध स्वतः प्रकाश और असंदिग्ध प्रमाण मानते हैं और उनके आधार पर नित्य शुद्ध बुद्ध सदा मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वतः प्रकाश स्वतः सिद्ध स्वतंत्र सच्चिदानंदी कर स्वरूप ईश्वर की सिद्धि करना चाहते हैं। क्या यह सूर्य को प्रदीप से प्रकाशित करने के समान मूर्खता नहीं है? इसी विषय में न्याय कुसुमांजलिकार कहते हैं, साक्षात कारिणी नित्य योगिनी पर द्वारा अपेक्षा सिद्धतौ भूतार्था अनुभवे निविष्टा निखिल परस्तावी अस्तुकरम लेसा दृष्टि निमित दुष्टि विक पर भ्रष्ट शंका तुस संको अनमेष कलम कलंकि भी किमि परिस्तन में प्रमाणम शिवः। अनंत अचिंत्य तथा अमोघ ज्ञान शक्ति से महेश्वर को त्रिलोक जगत तैरालिक पदार्थों का साक्षात्कार रूप अनुभव सदा एक रस तथा अविच्छिन्न बना रहता है। उनका ज्ञान हमारे ज्ञान के सदृश आगमा पाई आदि साधि शांत सापेक्ष तथा वृद्धि हवास युक्त नहीं होता, परंतु स्वतः सिद्ध निरपेक्ष सदा एक रस रहने वाला होता है। परमेश्वर के ज्ञान में संकल्प में प्रलय के अनंतर सर्ग के
आरंभ में पूर्ववर्ती सर्वविध स्थावर जंगम पदार्थों को यथा तथ्य उत्पन्न करने की सामर्थ्य रहती है। सर्वविध सृष्टि उसी ईश्वरीय संकल्प से उत्पन्न होती है, उसी में स्थिर रहती है तथा अंत में उसी में लीन हो जाती है। जन्मादस्य यतः ब्रह्म सूत्र, जिस ईश्वर के ज्ञान में संकल्प मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय होती है, उसी की शरण लेनी चाहिए। इस बात को श्रुति कहती है, यतो वा इमानी भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् परन्ति भीषण विसन्ति तद्विज्ञास्व। दिस इज ये तैतरीय उपनिषद से है। इसलिए अज्ञान जन्य सर्वविध दोषों से विमुक्त नित्य शुद्ध सत्य प्रकाश सर्वज्ञ सच्चिदानंद घन स्वरूप ईश्वर तथा उसका वेद रूप ज्ञान ही हमारे लिए परम प्रमाण है। ने कि सर्वविध दोष तथा शंकाओं का सथल भूत और अज्ञान जन्य अनेक विभ्रमादि त्रुटियों का आगार अल्पज्ञ मनुष्यों का प्रत्यक्ष अनुमान आदि। तात्पर्य यह है कि हमारे लिए सदा सर्वज्ञ सर्वत्र सर्वास्था में निरपेक्ष निष्कलंक तथा परम प्रमाण शिव ईश्वर ही है। 17वां प्रत्यक्ष अनुमान तथा श्रुति के तुलनात्मक विचार द्वारा श्रुति की अपूर्वता। यहाँ पर यह प्रश्न होता है कि श्रुति तथा उपनिषद आदि में ब्रह्म विषय के अनेक प्रमाण मिलते हैं, परंतु प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण का भी इस विषय में कुछ विवेचन होना चाहिए। 18 प्रत्यक्ष प्रमाण विवेचन। 19 वैदिक प्रत्यक्ष। आप्त पुरुष का प्रत्यक्ष, ऐसे आप्त पुरुषों के प्रत्यक्ष के विषय में हम पूर्व भी लिख चुके हैं, जिनका अंतःकरण भगवत दर्पण बुद्धि से वर्णाश्रम उचित शास्त्रोक्त कर्म करते करते तथा योग आदि द्वारा शुद्ध हो चुका है, उनके अनुभव युक्त वचन तो श्रुति का समर्थन करते ही हैं, परंतु उनके वचनों की सार्थकता तथा प्रमाणत्व की झलक उनके निर्भीक आनंद में मस्ती भरे जीवनों तथा विषय लोलुप अज्ञानियों और नास्तिकों के दुख में शोक ग्रस्त भयभीत जीवनों के भेद से स्पष्ट प्रकट होती है। ऐसे आप पुरुषों का मौन में संग तथा एक दो वचन कट्टर नास्तिकों के जन्म जन्मांतरों के संशय तथा असरधा आदि दोषों की कालिमा को धो डालते हैं। उनका मुखमंडल सदा आनंद में ज्योति तेज तथा ओज से दीप्यमान रहता है। वे आध्यात्मिक आकर्षण शक्ति की साक्षात मूर्ति होते हैं। प्राणी मात्र उनकी ओर स्वभावतः ही आकृष्ट हो जाता है। उनके वचन मधुर प्रिय तथा मार्मिक होते हैं। वे अपने सत्य प्रमाणत्व को सच्चे जिज्ञासुओं के हृदय में अनायास ही स्थापित कर देते हैं। जिज्ञासु का हृदय उनके दर्शन मात्र से निशंक होकर हर्षोफुल हो उठता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर सूर्यमुखी फूल सत्य ही खिल उठते हैं, यदि सूर्य के उदय होने पर भी उल्लू को कुछ नहीं दिखता तो क्या इतने मात्र से सूर्य अंधकार में सिद्ध हो जाता है। आत्मवेता पुरुषों के वचनों का प्रभाव तो अकथनीय होता ही है। उनकी मौन मुद्रा में भी दर्शकों के हृदयंगत अज्ञान जन्य संशय भ्रांति तथा असरधारूपी ग्रंथियों को अक्षण मात्र के संपर्क से छेदन भेदन कर देती है और अपने सप्तह प्रमाणत्व को बिना किसी हेतु के उन पर सिद्ध करती है। उनकी यह मौनमयी भाषा साधारण लौकिक भाषा से निराली होती है। इस प्रकार के महापुरुषों का दिव्य जीवन उनके अखंड तथा अद्वितीय आनंद की अनुभूति में प्रमाण है। उनके तेजो में पवित्र जीवन के सामने शुष्क तर्क इस प्रकार तुरंत भस्मसात हो जाता है जैसे अग्नि के सामने तृण। वे ही सर्वविध प्रमाणों को वास्तविक प्रमाणता प्रदान करते हैं। वे इस शब्द प्रमाण की भी आधारशिला हैं। 64 विद्या विशारद शब्द ब्रह्म की साक्षात मूर्ति तथा तर्क निपुण श्री नारद ऋषि श्री के भी ऐसे तत्ववेताओं की शरण में आकर अपनी शोक ज्वाला की शांति के लिए परम बोध रूप परम सुख की अभ्यर्थना करते हैं।
धीहि भगवे इति होप ससाद सनत कुमारम नारद है, ये छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। तरती शोक मंगा पवित्र सा भगवा शोकस्य पारम तारयतु, ऐसे महापुरुष ही संसार के अज्ञान मौलिक कुरीतियों तथा अनान्य युक्त आचरण का विरोध करते हैं, उन्हें चक्रवर्ती सम्राट का भी तनिक भय नहीं होता, वे सत्य के लिए अपने प्राणों की होली आनंद से खेल जाते हैं, विष को अमृत के समान पी जाते हैं, कारागारों को स्वर्ग के उन्नत प्रासाद समझते हैं, तीतोक्षण अक्षुधा पिपासा सुख दुख आदि दारुण दबदम उन्हें सत्य तथा न्याय के मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। ये श्लोक भर्तहरि नीति शतक से लिया गया है। निंदन्तु नीति नुपुण यदि वा सतु वन्तु, लक्ष्मी समाविष्टो गच्छतु वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायापथ परविचलन्ति पदम ने धीरा, धीर पुरुषों की नीति विशारद जन निंदा करें या स्तुति करें, उनके पास संसार भन की लक्ष्मी आ जाए या आई हुई चली जाए, उन्हें यमराज चाहे आज ही अपना ग्रास बना ले या वे कल्पांतर पर्यंत जीवित रहें, परंतु उन्हें सत्य और न्याय के मार्ग से कोई व्यक्ति पदार्थ दृश्य सौंदर्य प्रलोभन तथा भय एक पद भी विचलित नहीं कर सकता, वे मरण पर्यंत सत्य मार्ग पर ही आरूढ़ रहते हैं, न्याय तथा सत्य पद से भ्रष्ट न होने को ही वे परमार्थ का उच्च साधन तथा स्वरूप समझते हैं। 20. लौकिक प्रत्यक्ष प्राकृतिक जन प्रत्यक्ष, विधाता ने 5 ज्ञानी इंद्रियों की रचना बहिर्मुख की है, ये अपने अपने रूप आदि अक्षण भंगुर तथा परिणामी विषयों को ग्रहण करती हैं। सच्चिदानंदी करस्त अपरिणामी तत्त्व तत्व नित्य तत्व तक इनकी गति नहीं है, साधारण अस्थिर अस्वच्छ तथा स्थूल बुद्धि भी पर तत्व ग्रहण के लिए नित्राम असमर्थ है, यह बेचारी तो दया लज्जा तथा भय आदि मानसिक विकारों को ही कथचित ग्रहण कर सकती है, वह भूमा तत्व इन परिच्छिन्न साधनों की पहुंच से सर्वथा परे है, वह अखंड तत्व वाग मन मनसा गोचर है, न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनो, ये केनोपनिषद से है। उस परम तत्व तक मन वाक तथा चक्षु आदि इंद्रिया नहीं पहुंचती, यतो वाचो निर्वतन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ने विभेति कुतश्चन, ये तैतरीय उपनिषद से लिया गया है। सामान्य संसारी के मन बुद्धि तथा चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियां तथा वाग आदि कर्मेंद्रियां जिस सच्चिदानंद करस पर ब्रह्म के स्पर्शन दर्शन कथम श्रवण तथा अनुभव में सर्वथा असमर्थ है, साधारण संपन्न शिथर स्वच्छ सूक्ष्म बुद्धि युक्त मुमुक्षी उसी परमानंद भूमा तत्व के हस्ता कमल व कपत प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा सर्वतो निर्भय अजर अमर पद को प्राप्त करता है। चक्षु आदि इंद्रियां तथा मन भी एक प्रकार का विकार ही हैं। इनका अक्षण अक्षण में परिणाम अनुभव गोचर हो रहा है, जैसे परिमाण परिणामशील बाह्य पदार्थों का आधार तथा मूल कारण कोई अन्य शिथर परिवर्तन रहित निर्विशेष निर्विकार पर तत्व है, वैसे ही इन चक्षु आदि बाह्य करणों तथा मन आदि अंतःकरणों का मूल कारण भी वही कुटस्थ है, इनकी स्थिति तथा नियति आदि का नियामक तथा व्यवस्थापक वही कुटस्थ है, इसलिए यह अंतर बाह्य करण उसे कैसे ग्रहण कर सकते हैं, जैसे एक पुत्र अपने पिता को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है उसी प्रकार ये भी उसके ज्ञान में असमर्थ है। श्रोत्र श्रोत्रम मनसो मनो ये वाचो वाचम सैवु प्राणस्य प्राण चक्षु अक्षुर्तिमुच्य धीरा प्रत्यासम लोकाद्रम्यता भवन्ति, केनोपनिषद से। वह ब्रह्म काल का कान, मन का मन, वाणी की वाणी, प्राण का प्राण तथा चक्षु का चक्षु है। तात्पर्य यह है कि जो स्रोत आदि इंद्रियों को अपने अपने विषय में नियमन करके उनकी उपलब्धि का हेतु तथा सामर्थ्य दाता है वही ब्रह्म है,
ये सब करण ग्राम उसके बिना सब विषय ग्रहण में सर्वथा निश्चित तथा असमर्थ होते हैं। ए पेयर ऑफ टोंग्स कैन कैच ऑलमोस्ट एनीथिंग एल्स बट हाउ कैन इट टर्न बैक एंड ग्रास्प द फिंगर्स विच होल्ड इट। सो द माइंड और इंटेलेक्ट कैन इन नो वाइज बी एक्सपेक्टेड टू नो द ग्रेट अनोवेबल विच इज इट्स वेरी सोर्स। रामाज इन बूट्स ऑफ ग्रेट रियलाइजेशन। चिमटा प्राय अन्य हर एक वस्तु को पकड़ सकता है, परंतु वह लौट कर उन उंगलियों को कैसे पकड़ सकता है जो उसको थामे हुए हैं। 21 अनुमान विवेचन। 22 अनुमान प्रमाण की अद्वितीय असंग तत्व में अगति। अनुमान प्रमाण का आधार साध्य साधन का व्याप्ति संबंध है, अर्थात पूर्व यत्र तत्र साधन धूम को साध्य अग्नि के सहित ही देखा हो तथा इस अव्यभिचारी संबंध के आधार पर किसी अन्य स्थल पर्वत आदि पर साधन हेतु धूम के ज्ञान से साध्य अग्नि का ज्ञान अनुमान कहलाता है। परंतु जिसको कहीं पहले प्रत्यक्ष किया ही न हो और जो अखंड अद्वितीय तत्व साधन साध्य संबंध का विषय ही न हो, जो सर्वत्र संबंध रहित असंग हो, असंगो पुरुष है, यह अनादि तत्व संग्रहित है, बृहदारण्यकोपनिषद। ऐसे तत्व के संबंधी का ज्ञान कैसे हो सकता है जिसके द्वारा उस मूल तत्व का अनुमान किया जा सके। इसलिए यह स्वीकार करना पड़ता है कि वह भूमा पर ब्रह्म तत्व अनुमान गम्य नहीं है। 23 कार्य से कारण का अनुमान तथा अखंड तत्व में इसका उपयोग। यदि सामान्य कार्य कारण भाव को लेकर विचार किया जाए कि जैसे घट श्रावादी विकारों का मूल स्थर विकार रहित मृतिका है, वैसे ही इस सर्व विकार में जगत का भी कोई स्थर कुटस्थ निर्विकार तत्व ही मूल कारण है, वही ब्रह्म है। यद्यपि इस प्रकार का अनुमान कार्य के अपने कारण का निश्चायक होता है, तथापि ऐसे अनुमान से वस्तु का सामान्य ज्ञान ही संभव होता है, इससे उसके स्वरूप का विशेष ज्ञान संभव नहीं है। 24 सामान्य तो दृष्ट अनुमान का विषय। श्रोता अनुमान प्रज्ञाभ्यामिन विषया विशेषत्वात् योग सूत्र। निर्विचार समाधि से उत्पन्न होने वाली तथा परम सत्य को ग्रहण करने वाली ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय शब्द तथा अनुमान प्रमाणों के विषय से सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि शब्द तथा अनुमान का विषय तो वस्तु का सामान्य स्वरूप होता है और ऋतंभरा बुद्धि का विषय उनसे अत्यंत विलक्षण वस्तु का विशेष स्वरूप होता है। यही कारण है कि अनुमान जन्य ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत अधूरा ज्ञान होता है, एवं संबंध रहित भूमा आतंक तत्व के संबंधी के अभाव के कारण अनुमान प्रमाण द्वारा उसका ज्ञान कदापि संभव नहीं। 25 अनुमान की वास्तविक सामर्थ्य। वास्तव में पर तत्व के ज्ञान के संबंध में यह अनुमान प्रमाण की सामर्थ्य केवल यहीं तक सीमित है। इसके द्वारा प्रतिपक्षी द्वारा किए गए पर तत्व विषयक असंभावना दोष के आक्षेप को निवृत्त किया जावे और यह प्रतिपादित किया जाए कि अखंड भूमा तत्व कोई असंभव तत्व नहीं है, परंतु तो उसकी सत्ता संभव है। उस पर तत्व का यथा तथ्य स्वरूप क्या है, यह अनुमान का विषय ही नहीं है। इसलिए इसके लिए अनुमान का प्रयोग करना इसकी सामर्थ्य से अपनी अन्य भिजता प्रदर्शित करना है। 26 श्रुति और अनुमान की परस्पर तुलना। 27 श्रुति और अनुमान का संबंध। अनुमान जिज्ञासा की यत्किंचित सहायता श्रुति प्रतिपादित तत्व में बुद्धि प्रवेशार्थ कर सकता है, स्वयं इसकी सामर्थ्य नहीं कि यह उस श्रोत्र तत्व को यत्किंचित समझ के। इसलिए इस अनुमान को तद्वेशक स्वतंत्र प्रमाण नहीं कहा जा सकता। श्रुति स्वामिनी है और अनुमान इसका अनुग्राहक रूप सेवक है, जिसका कर्तव्य श्रुति प्रतिपादित तथ्य का येन केन प्रकारेण समर्थन अनुमोदन तथा रक्षा करना है, न कि उसका खंडन करना। जो लोग अनुमान के बल पर श्रुति प्रतिपादित सिद्धांतों का खंडन करते या करना चाहते हैं,
उन्हें अनुमान की वांग मन सो गोचर तत्व विषयक सामर्थ्य तथा प्रयोजन को भली भांति जानना चाहिए, क्योंकि अनुमान श्रुति के खंडनार्थ नहीं है, अपितु तत्व प्रतिपादित सर्व सिद्धांतों का पच्चा वही वाक्य तथा तर्क द्वारा पूर्ण रीत्या मंडन के लिए है। इसी में इस प्रमाण की सार्थकता है। यह अपने स्वतंत्र बल के आधार पर श्रुति की परीक्षा नहीं कर सकता। निर्भ्रांत सत्य ज्ञान रूप सर्वज्ञ ईश्वर प्रदत्त तत्व का प्रतिपादक वेद श्रुति किसी अल्पमिति मनुष्य की कुतर्क बुद्धि द्वारा रचित अनुमान से खंडित नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में स्वतः सिद्ध त्रिकाला बाध्य परम तथ्य श्रुति का विरोधी होने से अनुमान स्वयं मिथ्या सिद्ध हो जाता है। जैसे किसी मृत प्राणी को देखकर यह तो अनुमान किया जा सकता है कि इसकी मृत्यु आघात विशेष से विस्पान से या किसी अन्य कारण से हुई है, परंतु किसी अनुमान या हेतु द्वारा उस मृत को जीवित सिद्ध नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा करने का यत्न किया जाए तो वह अनुमान या हेतु स्वयं खंडित हो जाता है, क्योंकि अनुमान किसी अन्य प्रबल प्रमाण द्वारा निर्णीत सिद्धांत का विरोध नहीं कर सकता। वह संभव को असंभव या असंभव को संभव सिद्ध नहीं कर सकता। 28. स्वतंत्र तर्क की अप्रतिष्ठा। भौतिक विज्ञान में पदार्थों के बाह्य स्वरूप के अतिरिक्त अनुमान के आधार पर जितने सिद्धांत थ्योरीज उपस्थित किए जाते हैं वे केवल संभावना तथा संभावना मात्र होते हैं, अतएव समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं और कभी कभी एक इसमें भिन्न भिन्न विद्वानों द्वारा परस्पर विरुद्ध सिद्धांत भी उपस्थित किए जाते हैं। इसीलिए परम हितैषिणी श्रुति कहती है कि नैषा तर्केण मति रोपणीया कठोपनिषद आगम वेद प्रतिपाद्य आत्मज्ञान विषयणी बुद्धि कोरे तरकी उवापो से प्राप्त नहीं हो सी तर्का प्रतिष्ठानात् ब्रह्मसूत्र। आगम गम्य अर्थ का केवल श्रुति निरपेक्ष तर्क से खंडन नहीं होता, क्योंकि निराधार तर्क जन्य मानवीय कल्पना की प्रतिष्ठा शक्य नहीं, क्योंकि बहुत प्रयत्न से किसी एक तार्किक की तर्क से अनुमित अर्थ किसी दूसरे श्रेष्ठ तार्किक द्वारा खंडित किया जाता है। तात्पर्य यह है कि प्राय दो तार्किकों का प्रसर एक विषय में मतभेद होता है, अतः पुरुषों की मति विभिन्न होने के कारण तर्क अत्यंत अप्रतिष्ठित है। तर्क द्वारा किया गया निर्णय अबाध्य तथा अंतिम तथ्य नहीं हो सकता। महाभारत भीष्म पर्व में कहा गया है कि अचिंता खलु ये भावा ने तांस तर्केण योजित परमात्मा धर्म तथा अन्य स्वर्ग आदि विषय मानवीय बुद्धि के लिए अतः अचिंतनीय है, उनको श्रुति निरपेक्ष तर्क से जांचने का कदापि प्रयत्न न करे। By love he may be begotten, by thought never. भक्ति तथा प्रेम से ही भगवान के दर्शन तथा उपलब्धि हो सकती है, केवल विचार से कदापि नहीं। 29. श्रुति की अपूर्वता। लोक में प्रत्यक्ष अनुमान तथा शब्द आदि अनेक प्रमाणों से एक विषय का निश्चय किया जाता है। इन प्रमाणों का उपयोग निश्चय करने में कहीं तो पृथक पृथक तथा कहीं कहीं समुच्चय रूप से किया जाता है। जैसे कहीं पर अग्नि का बोध प्रत्यक्ष से, कहीं अनुमान से तथा कहीं शब्द से होता है। ऐसे सत्रों में जहाँ किसी दूसरे प्रमाण से काम चल सकता हो, किसी एक प्रमाण की अनिवार्य आवश्यकता नहीं सिद्ध होती, क्योंकि उसके बिना भी तो किसी न किसी प्रकार से दूसरे प्रमाणों से निर्वाह हो ही जाता है। परंतु जब किसी अक्षेत्र में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में से किसी एक के बिना कार्य सिद्धि असंभव हो, अथवा उसके बिना विषय का बोध ही न हो उसके, तब उस प्रमाण की अनिवार्य आवश्यकता अनन्य हेतुता सिद्ध होती है। जैसे रूप का प्रत्यक्ष करने के लिए चक्षु की अनिवार्य आवश्यकता होती है, चक्षु के बिना रूप का प्रत्यक्ष असंभव है। इसी प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस तथा गंध आदि विषयों के प्रत्यक्ष के लिए श्रोत्र त्वक रसना तथा घ्राणांद्रियों की अनिवार्य आवश्यकता है। उस इंद्रिय के बिना उस विषय का बोध नहीं होता। यद्यपि रूप दर्शन से हम रस तथा
स्पर्श आदि का अनुमान द्वारा कुछ सामान्य बोध प्राप्त करते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि रूप दर्शन मात्र से हमने रस स्पर्श आदि का जो अनुमानिक निश्चय किया है वह सर्वथा ठीक ही हो। घुणाक्षर न्याय से वह कभी भी ठीक हो सकता है और कभी ठीक नहीं भी हो सकता। इसलिए ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर अनुमान की अनिवार्य आवश्यकता सिद्ध नहीं की जा सकती, क्योंकि रस ज्ञान के लिए रसना तथा स्पर्श ज्ञान के लिए तवक इंद्रिय की ही अनिवार्य आवश्यकता तथा अनन्य हेतुता होती है। जगत के कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनका निश्चय प्रत्यक्ष तथा अनुमान परमाणु द्वारा हो सकता है। ऐसे विषयों के संबंध में आप्त विद्वानों ने लौकिक प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि परमाणु द्वारा जिन तत्वों का अन्वेषण किया तथा बोध प्राप्त किया है, अन्य लोग उन आप्त पुरुषों के वचन को प्रमाण मानकर शब्द प्रमाण द्वारा उन तत्वों का बोध प्राप्त कर सकते हैं और इस प्रसंग में उनके वचनों की शब्द प्रमाण में गणना हो सकती है, परंतु उनके वचनों के बिना भी कोई योग्य व्यक्ति स्वयं केवल प्रत्यक्ष अनुमान आदि परमाणुओं द्वारा उस तत्व को चाहे तो जान सकता है। अतः जिन पदार्थों का ज्ञान प्रत्यक्ष तथा अनुमान परमाणुओं द्वारा होना संभव है, उनके बोध के लिए शब्द प्रमाण की अनिवार्य आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जैसे कि रूप ज्ञान के लिए चक्षु की अनिवार्य आवश्यकता होती है, चक्षु के बिना रूप का ज्ञान कदापि संभव नहीं है और रूप ज्ञान के लिए रसना तवक आदि अन्य बाह्य कारण की अपेक्षा भी नहीं है। इसी प्रकार शब्द प्रमाण की भी प्रमाण की सर्वथा गति न हो, जिस विषय का निर्भ्रांत असंदिग्ध तथा पूरी तरह ज्ञान प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण से नहीं हो सकता, उसी विषय के बोध के लिए शब्द प्रमाण की अपूर्वता सिद्ध हो सकती है। हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि अखंड अद्वितीय भूमा तत्व ब्रह्म ईश्वर जीव पुनर्जन्म धर्म कर्म फल तथा सरोगादि विषयों के बोध के लिए प्रत्यक्ष तथा धुरंधर तथा प्रकांड विद्वानों का जो श्रुति की अपेक्षा नहीं समझते मतभेद है। अतएव परम प्रमाण है यही शब्द प्रमाण का अपूर्व विषय है। इन विषयों में ही शब्द की मानव जीवन के आधारभूत ऊपर वर्णित इन परम रहस्य में तत्वों के बोध से वंचित ही रहना पड़ता। इसके लिए हमें विनम्र तथा पूर्ण श्रद्धा विश्वास युक्त हृदय से उस परम कारुणिक प्राणी मात्र के उद्धार करने वाले दयानिधि भगवान का सहस्रवार धन्यवाद करना चाहिए। 30 हेतु तर्क अनुमान का कार्य अक्षेत्र। हम उपर्युक्त तथ्य को दृष्टि में न रखते हुए केवल तर्क तथा अनुमान के बल पर प्रत्येक तथ्य को पूर्णतया समझ लेने की बलपूर्वक प्रतिज्ञा किया करते हैं, परंतु भौतिक विज्ञान तथा अनुमान रीजन का कार्य अक्षेत्र केवल इंद्रिय गोचर तत्व तथा उनके परस्पर संबंध पर्यंत ही सीमित है। परस्पर संबंध ज्ञान में भी ये अधूरे ही हैं। इस अक्षेत्र में भी कई प्रकार की कल्पनाओं से काम चलाना पड़ता है। यह काल्पनिक निश्चय ही भ्रांत भी हो सकता है। यदि किसी अंश में निर्भ्रांत भी हो तो भी वह तद विषयक सामान्य निरूपण मात्र ही होता है, परंतु उसे किसी प्रत्यक्ष अनुभूत तथ्य की श्रेणी में रख दिया जाता है। जैसे चुंबक को लोहे की ओर खींचते देखकर हम चुंबक में आकर्षण शक्ति का अनुमान करके उस व्यवहार का नाम शक्ति रख देते हैं। इस आकर्षण व्यवहार के कारण विशेष स्वरूप आदि का कुछ बोध नहीं होता। अनुमान तो केवल कल्पना मात्र ही है। अनुमान शब्द की प्रत्यक्ष आदि प्रमाण परीक्षा के अनंतर पुनः उसी को मान जिस प्रमाण से परीक्षित किया जाए उसको अनुमान कहते हैं। परीक्षार्थ पुनर्मीयते नैन माननीति अनुमानम यद्वा अनुमनोति इत्ते मनुमानम अथवा अनुमीयते नैने मानम। मान तोल माप बोध तदंतर पुनः मान तोल बोध अर्थात जिसका पूर्व किसी अन्य साधन मान प्रत्यक्षादि प्रमाण से ज्ञान हो चुका हो उसका पुनः तर्क हेतु द्वारा मान बोध करना इसका स्थान गणित में कांटे के समान है जिसके द्वारा पूर्व प्राप्त किसी उत्तर की अभ्रांतता निश्चय निश्चित की जाती है। यह उत्तर खोजने की साक्षात स्वतंत्र विधि नहीं होती। तात्पर्य यह है कि अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष तथा शब्दादि परमाणु द्वारा निर्धारित तत्व के
बोध में कुछ सहायता कर सकता है अथवा उसी के आधार पर कुछ तत्संबंधित अन्य उपलब्धि भी हेतु बन सकता है। इसके अतिरिक्त इसका कार्य अक्षेत्र प्रधानत या व्यक्त इंद्रिय ग्राह्य जगत है। मूल तत्व के विषय में यह कुंठित हो जाता है, वहां पर इसकी गति नहीं है। चक्षु आदि बाह्य इंद्रियों के अक्षेत्र में भी इसकी स्वतंत्र प्रवृत्ति नहीं होती। क्या किसी पदार्थ के रूप का निरपेक्ष अनुमान द्वारा बोध हो सकता है? इसका उत्तर नकारात्मक है। इस विवेचन से यह सिद्ध होता है कि अनुमान व्यक्त जगत के रूप रस आदि पदार्थों का बोध भी स्वतंत्र कारण नहीं हो सकता। बाह्य इंद्रिय गम्य पदार्थों के संबंध के विषय में संदिग्ध नित्य परिणामी कुछ कल्पना मात्र कर सकता है। मूल तत्व ब्रह्म ईश्वर जीव परलोक तथा धर्म आदि के विषय में भी इसकी गति नहीं है। श्रुति का सहारा लेकर श्रुति द्वारा प्रतिपादित तत्व की संभावना के निश्चित मात्र का हेतु हो सकता है। 31. अखंड अद्वितीय तत्व विषयक ज्ञान पिपासा की निवृत्ति में अनुमान की असमर्थता। ऊपर के विवेचन से हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि अनुमान तर्क रीजन आदि में पर तत्व के बोध कराने की सामर्थ्य नहीं रखते। इसलिए हमारी पर तत्व विषय ज्ञान पिपासा की निवृत्ति के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि मुख्यतः केवल प्रत्यक्ष पर जीवन निर्वाह करने वाले पशुओं की अपेक्षा मनुष्य ने इन तर्क अनुमान आदि के सहारे बहुत कुछ उन्नति की है। भौतिक विज्ञान ने अनेक आविष्कार किए हैं। मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अन्वेषण में पर्याप्त प्रगति की है। यह सब सराहनीय है। पार्श्विक इंद्रियों की ऐहिक भोग सामग्री में भले ही इसका महत्व अधिक हो, परंतु क्या इस भौतिक विज्ञान ने हमारी पारमार्थिक मनुष्योचित समस्याओं का समाधान किया है? क्या मानव समाज की व्यवस्था इन्हें इतना अधिक महत्व देने से ढीली नहीं हो गई है? क्या भाई भाई माता पिता जाति जाति देश आदि का नित्य नया कदापि न मिटने वाला पारस्परिक वैमनस्य तथा कलह किसी न्यूनता की घोषणा नहीं करता? क्या यह किसी अनंतरम गुह्य तत्व के अन्वेषण की आवश्यकता की ओर संकेत नहीं कर रहा? जिस मूल तत्व को भूल जाने के कारण हमारी मानवीय सभ्यता का भौतिक विशाल मंदिर स्थान स्थान से जर्जरित होकर बुरी तरह से गिर रहा है। रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री, भौतिक, फिजिक्स, भूविद्या, जियोलॉजी, जीवन विज्ञान, बायोलॉजी शास्त्र, शरीर शास्त्र, एनाटॉमी, चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन, ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, आचार शास्त्र, एथिक्स, तर्क शास्त्र, लॉजिक इत्यादि विज्ञानों से निर्मित प्रसाद को किसी अखंड शिला के आधार की अपेक्षा है। इस संपूर्ण भौतिक विज्ञान फिजिकल साइंस का आधार अध्यात्म मेटाफिजिक्स है। अनुमान तो अध्यात्म के विषय में केवल कल्पना कर सकता है। यह मूल तत्व के साक्षात दर्शन में निर्भरान तथा शीतर साधन नहीं हो सकता। मूल तत्व संबंधी अज्ञेयवाद की भ्रांति के कारण यद्यपि अनुमान के अतिरिक्त अन्य कोई विचित्र दिव्य शक्ति संपन्न साधन पर तत्व को साक्षात करने के लिए जगत में नहीं है, अथवा साधन के होते हुए भी मनुष्य के लिए उसकी उपलब्धि इसी प्रकार असंभव है जिस प्रकार पशु के लिए वाक शक्ति की, तो फिर पर तत्व विषयक मानवीय पिपासा की शांति हो ही नहीं सकती। अनेक यूरोपियन दार्शनिकों ने केवल रीजन कोरे शब्द तर्क के आधार पर ही मूल तत्व को अज्ञेय कहा है, क्योंकि वे केवल तर्क का ही शरण लेने वाले हैं। यह तो निश्चित सत्य है कि श्रुति निरपेक्ष तर्क से मूल तत्व अज्ञेय है। मूल तत्व संबंधी अदम्य जिज्ञासा और तर्क रीजन की इस जिज्ञासा पूर्ति में असफलता ही इस विषय में किसी अन्य विलक्षण प्रमाण के अस्तित्व के द्योतक है। जैसा कि उन पर लिखा जा चुका है कि तर्क रीजन और सामान्य बुद्धि इंटेलेक्ट तक ही मानवीय बुद्धि के विकास का अंत नहीं हो जाता। सामान्य बुद्धि इंटेलेक्ट तो पिपीली का सदृश अति मंद गति से किसी तत्व को प्रमाणित करती है, परंतु न्यूटन तथा शंकर श्री के प्रतिभा संपन्न जीनियस व्यक्तियों के आविष्कार यह सिद्ध करते हैं कि सामान्य बुद्धि इंटेलेक्ट को यदि बैलगाड़ी समझा जावे तो आभ्यंतर दिव्य चक्षु इंट्यूशन को ही शक्तिशाली हवाई जहाज मानना पड़ता है। यह दिव्य आभ्यंतर चक्षु इंट्यूशन किसी तत्व को बिना किसी कर्म के तुरंत यूं ग्रहण करता है और ऐसे हस्ताम कलमत दिखते हैं जैसे कि रूप को आंख
उस दिव्य साधन को मूल तत्व के ग्रहण करने के लिए सामान्य बुद्धि की तरह विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता और न ही किसी प्रकार की अनुमानी कल्पना से सहायता लेनी पड़ती। यही कारण है कि उसमें किसी प्रकार का संदेह या भ्रांति का लवलेश भी नहीं होता, वह उसका सर्वथा निर्भ्रांत तात्विक प्रत्यक्ष ही होता है। ऐसे दिव्य साधन संपन्न महापुरुष का वचनामृत ही सर्वसाधारण जन के लिए इस विषय में प्रमाण है। मूल तत्व संबंधी अज्ञेयवाद के निम्नलिखित दो कारण हैं। क: श्रुति निरपेक्ष केवल शुष्क तर्क रीजन बुद्धि को ही परम प्रमाण मानना, किंतु इनकी तो मूल तत्व तक गति नहीं है, जैसे श्रोत्र इंद्रिय के गति रूप प्रत्यक्ष में नहीं है। मूल तत्व को जड़ मानना, व्याख्या आगे की जा रही। यहीं पर मैं इस वीडियो को संपूर्ण करता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला वीडियो हम इसी अध्याय में जारी रखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।